दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिनका रिपोर्टिंग करना होता है रिपोर्टिंग पर्सन्स को। वो रिपोर्टिंग पर्सन कौन कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक में, इस वीडियो में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट करनी होती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चलता है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रूल 114ई, ये रूल क्या बोलता है कि एंटिटीज जो होती हैं उनको रिक्वायरमेंट है, उनको ज़रूरत है कि वो फॉर्म 61A के अंदर रिटर्न फाइल करे जितनी भी उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म 61 की में रिटर्न फाइल करके बताएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सेक्शन 285BA सब सेक्शन 1 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो कहता है कि ये ओब्लिगेटरी है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनकी स्टेटमेंट को फर्निश किया जाए। कौन कौन सी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, कौन कौन से पर्सन है जिनको ये रिपोर्ट करना होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन, तो अगर कोई पेमेंट की जाती है कैश के अंदर, अगर कोई पेमेंट होती है कैश के अंदर और परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक ड्राफ्ट को परचेस करने के लिए या पे ऑर्डर को परचेस करने के लिए, बैंकर चेक को परचेस करने के लिए अगर कोई पेमेंट की जाती है कैश के अंदर, और वो पेमेंट जो है वो एग्रीगेट यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का टोटल मिला के 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो वो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिस पे अप्लाई होता है, तो ये बैंकिंग कंपनी जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A के तहत रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें बताएंगे। उसके बाद अगर कोई पेमेंट की जाती है कैश के अंदर और वो एग्रीगेट यानी टोटल मिला के 10 लाख या उससे अधिक है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के दौरान, RBI के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को परचेस करने के लिए 10 लाख या उससे अधिक की पेमेंट की है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में भी ये बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक बताते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे वॉलेट हो गया, क्रेडिट कार्ड, इनमें अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराया जाता है जिससे कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन की जा सके। उसके बाद अगर कोई कैश डिपॉजिट होता है या कैश विड्रॉल होता है, भले वो बिरर चेक के थ्रू हो, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल अगर एग्रीगेट यानी टोटल मिला के एक साल के अंदर अगर 50 लाख या उससे अधिक कैश जमा या निकाला जाता है करंट अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट भले एक से ज़्यादा हो, अगर कोई पर्सन जिसे करंट अकाउंट एक या उससे अधिक है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो अगर 50 लाख या उससे अधिक कैश जमा करता है या निकालता है, तो इस ट्रांजैक्शन के बारे में भी ये पर्टिकुलर जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है ये बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर कोई कैश डिपॉजिट होता है एग्रीगेट 10 लाख से ज़्यादा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक या उससे अधिक, यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं आएगा ना ही टाइम डिपॉजिट आएगा, यानी FD या करंट अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि करंट अकाउंट ऊपर कवर हो लिया, तो यहाँ पर बात हो रही है सेविंग अकाउंट की। तो अगर सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट 10 लाख या उससे अधिक हो रहा है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनी होगी या जो पोस्ट मास्टर जनरल, यानी यहाँ पोस्ट ऑफिस में अगर आपने जमा करा है 10 लाख या उससे अधिक, तो जो पोस्ट मास्टर जनरल या बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक जहाँ पर जमा कर रहे हैं, वो इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे अपनी रिटर्न जब फाइल करेंगे। उसके बाद अगर कोई FD होती है यानी टाइम डिपॉजिट, एक से अधिक हो भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से अधिक FD हो, लेकिन यहाँ पर रिन्यूअल केस नहीं आएगा, अगर पहले की कोई FD है उसको रिन्यू करा रहे हैं तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। अगर कोई नई FD कराई जाती है, एक से अधिक FD होती है और वो 10 लाख या उससे अधिक होती है एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ऐसे केसेस में ये FD के बारे में ये बैंकिंग कंपनी जो कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट मास्टर जनरल यानी जो पोस्ट ऑफिस में FD कराई है या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में कराई है जिसके पास सर्टिफिकेट है RBI का, RBI से लिया हुआ है, या कोई निजी कंपनी है जहाँ पर ये FD हो रही है, तो इन सभी को इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है, ये अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे जब। उसके बाद अगर कोई पेमेंट की जाती है किसी पर्सन द्वारा एग्रीगेट टोटल मिला के कैश के अंदर, अगर वो 1 लाख से अधिक की पेमेंट की जाती है, वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड के बिल की भुगतान के लिए की जाती है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में भी ये जो बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक या अदर कंपनी है या इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट कार्ड होल्ड क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं, ये
इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे। अगर 10 लाख या उससे अधिक की पेमेंट की जाती है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल एक से अधिक भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख या उससे अधिक की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की जाती है कैश के अलावा, तो इसके बारे में भी ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशंस इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे। उसके बाद अगर कोई रिसिप्ट होती है किसी पर्सन से, अगर एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या उससे अधिक है, यानी कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन जिसको बॉन्ड इशू करने या डिबेंचर इशू करने के बदले कोई रिसिप्ट होती है किसी पर्सन से और वो एग्रीगेट 10 लाख या उससे अधिक है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड या डिबेंचर के लिए, तो ये जो कंपनी इंस्टीट्यूशन है ये इस ट्रांजेक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे। यहाँ पर बॉन्ड डिबेंचर नए होने चाहिए, रिन्यूअल की केस नहीं यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद अगर कोई कंपनी है जो शेयर्स इशू करती है, तो शेयर इशू करेगी कॉमन सी बात है, उसको रिसिप्ट आएगी शेयर होल्डर से, तो अगर एग्रीगेट रिसिप्ट जो है 10 लाख या उससे अधिक है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यहाँ पर शेयर्स एक्वायर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन मनी भी पे करते हैं, आउट मनी भी पे करते हैं, कोल मनी भी पे करते हैं, तो एग्रीगेट अमाउंट जो है 10 लाख या उससे अधिक है तो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है इस रिसिप्ट के बारे में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगी। उसके अगर कोई कंपनी जो एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है वो अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को परचेस करती है यानी बाय बैक ऑफ शेयर्स करती है किसी पर्सन से और 10 लाख से उससे अधिक की पेमेंट करती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो ये जो कंपनी है जो लिस्टेड है ये बाय बैक ऑफ शेयर करेगी, तो जो 10 लाख से अधिक की पेमेंट करती है तो इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगी। उसके बाद अगर कोई म्यूचुअल फंड के जो ट्रस्टी होते हैं या जो पर्सन जो मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड के अफेयर्स को, ये पर्सन जब इनके पास रिसिप्ट आएगी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एक्वायर करने के, कोई इनको पेमेंट करेगा 10 लाख से अधिक की पेमेंट आएगी, तो इसके बारे में भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे। यहाँ पर स्कीम अगर ट्रांसफ़र होती है तो वो केस नहीं आएगा, अगर फ्रेश कोई पर्सन अगर म्यूचुअल फंड की नोट्स को एक्वायर करता है तो रिसिप्ट आएगी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, ये इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे। इसके बाद अगर कोई इंस्पेक्टर जनरल या रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है, इनको भी अगर कोई परचेज सेल होता है कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग और उसकी जो कीमत है वैल्यू है 30 लाख या उससे अधिक है, या स्टैम्प ड्यूटी जो है सेक्शन 50C के तहत अगर 30 लाख या उससे अधिक है, तो इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जो इंस्पेक्टर जनरल या रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है इनको बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई कैश पेमेंट रिसिप्ट होती है 2 लाख से अधिक किसी सेलर से, अगर कोई सेल करता है गुड सर्विस प्रोवाइड करता है उसको रिसिप्ट होती है कैश पेमेंट की, वो 2 लाख से अधिक है, तो वो पर्सन अगर उसका ऑडिट होता है सेक्शन 44B के तहत, तो इस पर्सन को इस रिसिप्ट के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। अगर ऐसे ही अगर कोई सेल होती है फॉरेन करेंसी की, इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी अगर करेंसी का वो होता है एक्सचेंज सेल, तो यहाँ पर जो रिसिप्ट होगी अथोराइज पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वो भी इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा। इसके अलावा तीन जो ये जो ट्रांजेक्शन्स है इनकी रिक्वायरमेंट होती इनकी रिक्वायरमेंट होती है जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं यानी प्री फाइलिंग। अगर कोई कैपिटल गेन होता है ट्रांसफ़र करने से सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को, तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है या डिपॉजिटरी है या क्लियरिंग कॉरपोरेशन है या रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, इन सभी को इस ट्रांजैक्शन के बारे में यानी इस कैपिटल गेन के बारे में बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके अलावा कोई कंपनी है जो डिविडेंड देती है यानी डिविडेंड इनकम के बारे में, इस के बारे में भी बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर इसके अलावा अगर कोई बैंकिंग कंपनी या कोई कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट मास्टर जनरल है या नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर कोई इंटरेस्ट देती है ये कंपनी किसी को, तो इस इंटरेस्ट इनकम के बारे में भी इन कंपनियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न जाएगी वो फॉर्म 61A के तहत जाएगी और किसके पास जाएगी, किसको फर्निश करनी होगी, ये डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगी जिसको इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत, या फिर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती है जिसके बारे में रिपोर्टिंग पर्सन को रिपोर्ट करना होता है यानी अपनी रिटर्न में फर्निश करना होता है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम चलता है।